नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में यूट्यूब वेरीफाइड चैनल पे स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का अभी मेंस आने वाला है, उनकी डिमांड है कि जो जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मुझे आती हैं अलग से, वो मैं आप सबको बताऊँ। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे SI/CI का 3 साल का अंतर। आप ट्री बनाते हैं, कोई पॉइंट्स में सवाल करता है, अलग अलग तरीके से लोग सवाल करते हैं। मैं आपको ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि आप 1 या 2 सेकंड में SI/CI के 3 साल के अंतर का सवाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस ऑफ SI/CI ऑफ 3 ईयर्स। पहले डिफरेंस ऑफ SI/CI आप हेडिंग लगा लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि पी प्रिंसिपल है, एकदम बेसिक से इस बात को मैं शुरू कर रहा हूँ, फिर आपको उस कंसेप्ट पे लेके जाऊंगा जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, अलग से एकदम नया कंसेप्ट होगा। जैसे पी प्रिंसिपल है और मान लेते हैं आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता है रेट क्या होती है, जब मैं आपको SI/CI पढ़ाऊंगा तब एक एक बात बताऊंगा। पूरा SI/CI रेट पे डिपेंड है। अगर आपको रेट की डेफिनेशन आती है तो समझ लीजिए आपको सब कुछ आता है। रेट क्या होती है, 100 रुपये पे 1 साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन 100 इन 1 ईयर इज कॉल्ड रेट, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं SI आपसे पूछता हूँ कि भाई SI क्या होगी, तो आपका जवाब होगा कि पहले साल SI होगी पी और इंटू आर बाई 100, पी का आर परसेंट, पी आर बाई 100। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि दूसरे साल SI क्या होगी, तो आपका जवाब होगा कि पी आर बाई 100 ही होगी, क्योंकि SI हर साल बराबर होती है। अब अगर CI की बात करें, अभी हम 2 साल की बात कर रहे हैं, 2 ईयर। अगर CI की बात करें तो पहले साल SI और CI बराबर होती है, क्योंकि जो ब्याज है वो प्रिंसिपल पे ही लगती है, इसलिए पहले साल CI भी क्या होगी, PR by 100। अगर मैं दूसरे साल CI की बात करूं तो PR by 100 तो होगा ही होगा, प्लस PR by 100 का R by 100। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यार SI और CI का मुझे 2 साल का डिफरेंस बताओ क्या होगा D2, तो आप बोलेंगे पहले साल तो अंतर है ही नहीं, 0 है। जो अंतर है वो दूसरे साल है, और वो क्या है, वो ये है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ SI/CI फॉर 2 ईयर्स, यानी कि PR/100 के पावर 2। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम प्रिंसिपल को 100 मान लें, इफ प्रिंसिपल अगर 100 है हमारा, ये बात भी आपको याद रखनी है, अगर मैं प्रिंसिपल को 100 ट्रीट कर रहा हूं तो SI पहले साल कितना होगा, आर और आर, और दूसरे साल भी आर होगा, और CI पहले साल आर और दूसरे साल आर प्लस आर का आर परसेंट। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 साल का जो अंतर आएगा D2, वो आ जाएगा आर का आर परसेंट। इस सब बातों का यूज अभी हम करेंगे, आप देखेंगे क्या आ जाएगा, आर का आर परसेंट। अगर कोई फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। जैसे कैसा सवाल इस फॉर्मूले पे आ सकता है, इतना सा सवाल आ सकता है इस फॉर्मूले पे कि इफ डिफरेंस ऑफ SI/CI फॉर 2 ईयर्स इज 147 ऑन 30,000 फाइन रेट। रेट आपसे पूछ सकता है डिफरेंस देखिए, तो ऐसा हो सकता है कि हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़े। हम बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बिना फॉर्मूले के, तो फॉर्मूला आप लगा ही लेंगे, बिना फॉर्मूले के कैसे कर सकते हैं। मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि 30,000 का आर परसेंट से पहले साल का SI कितना होगा, तो आप समझ रहे भाई SI होगा 300 आर, भाई आर परसेंट से निकाल देंगे, दूसरे साल का भी 300 आर होगा। अगर मैं आपसे CI पूछता हूं तो आप बोलेंगे 300 आर होगा। ये हमें करने की जरूरत नहीं थी, हम नहीं भी चाहते नहीं लिखते, हम डायरेक्ट कर सकते थे कि भाई 300 आर प्लस इसका आर परसेंट कितना होगा, 3R² और ये जो 3R² है यही सवाल में कितना दे रखा है, 147 दे रखा है, तो आर कितना आ जाएगा, 7% से हम निकाल सकते थे, लेकिन आजकल आते नहीं 2 साल पे सवाल। 3 साल पे अगर सवाल आता है तो कैसे हम करेंगे, क्या हमारा तरीका होगा, ये मैं मिटा दूं। अभी तक मैं वही बातें बता रहा हूँ जो आपको पहले से आती हैं, जो कि बेसिक है। काम की बात अभी थोड़ी देर में आएगी, जो एकदम अलग होगी, यूनिक है। अगर हम 3 साल की बात करें तो आप एक और फॉर्मूला 3 साल के अंतर का भी लिख सकते हैं। क्या पता कभी सवाल में फॉर्मूले पूछ ले जाए, PR² 300 प्लस आर बटे 100 के क्यूब। ये SI/CI का 3 साल का अंतर है, SI/CI का 3 साल का डिफरेंस, 3 ईयर्स।
तो अगर कभी फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाए पेपर में तो आप ये लगा सकते हैं, वैसे इसको सवाल में लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, यहाँ से हम एक और बात निकाल सकते हैं कि अगर मैं D3 बाई D2 करूँ, 3 साल का अंतर और 2 साल के अंतर का रेशियो निकालूँ, तो ये आ जाएगा 300 प्लस आर अपॉन आर अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम निकाल देंगे PR स्क्वायर से, PR स्क्वायर कट जाएगा, अपॉन 100 आ जाएगा, अपॉन 100। D3 अपॉन D2 कितना आ जाएगा? अपॉन 100। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 3 साल के डिफरेंस पे सवाल कैसे आते हैं और कैसे हम उन सवालों को कर सकते हैं, मौखिक हम उन सवालों को कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। पहले मैं इस बात को एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल है कि भाई प्रिंसिपल 8000 है, 8000 रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 5%। 5% रेट का मतलब कितना होता है? 1/20। देख पा रहे हैं? ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि यार ऐसा ही बताओ पहले साल का क्या होगा। ये वो जो कंसेप्ट मैं सिखाना चाह रहा हूं उसका ये बेस है कि यहीं से हम वो कंसेप्ट निकाल पाएंगे। अगर मैं ऐसा ही की बात करूं तो पहले साल ऐसा ही कितनी होगी? तो आप देख रहे हैं कि 1/20 करना पड़ेगा इसका, 1/20 यानी कि 400, मतलब 8000 का 5% 400। ऐसा ही हर साल इक्वल होती है, इसलिए अगले साल भी 400 होगी और उससे अगले साल भी 400। अब अगर CI की बात करूं, CI तो आप बोलेंगे CI पहले साल तो 400 ही होगी, अगले साल 400 प्लस 400 का 5% 20 यानी कि 420 होगी। उससे अगले साल की बात करें तो 420 तो होगी होगी, 420 का 1/20 यानी कि 21 रुपए और होगी, 20 प्लस 21 ही लिख देते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि यार अंतर बताओ 3 साल का, तो आप बोलोगे पहले साल अंतर 0 है, दूसरे साल 20 है और तीसरे साल 20 प्लस 20 प्लस 1 है, यही है भाई अंतर, टोटल 61 रुपीज अंतर है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि जो एक आया है ये कैसे आया है, एक एक्स्ट्रा है। एक क्या है यहां पे? एक जो है जो 2 साल का डिफरेंस था, 2 साल का अंतर यानी कि 2 ईयर डिफरेंस का 5% है, मानते हो इस बात को? जो 2 साल का अंतर था 20, उसका 5% ये एक है। तो मैं यही कहता हूं कि अगर 3 साल के डिफरेंस से मैं कुछ ऐसा पार्ट हटा लेता हूं जो कि दूसरे साल के अंतर का 5% है, तो मुझे 2 साल का अंतर मिल जाएगा। जैसे मुझे किसी ने यही सवाल पूछा होता, ये सवाल, और ये कहा होता कि यार डिफरेंस 61 है और ये प्रिंसिपल ना दिया, तो आप कैसे करोगे? तो मैं कहता कि यार ऐसा करते हैं इसमें से एक हटा देते हैं। अब आप सोचोगे यार एक हटाना बड़ा मुश्किल सा काम है, तो अभी आप देखना मैं सारे वो सवाल बताऊंगा जो CGL में या बैंकिंग में कहीं भी आए हुए हैं, हर सवाल इस कंसेप्ट से हो जाएगा। एक हमने हटा दिया, बचा कितना? 60 के मैंने 3 पार्ट कर दिए 20। तो मैं ये कहता हूं कि जो 20 है ना, ये D2 है, 2 साल का अंतर है। अब आपको ये कैसे चेक करना है कि जो आपने एक हटाया वो सही है? आप क्या करेंगे, इस 20 का 5% कितना होगा? 1, यानी कि जो आपने हटाया है वो सही है, क्योंकि ये जो एक एक्स्ट्रा आता है ये दूसरे साल का ब्याज है, आप भी जानते हैं इस बात को। ये 20 कैसे आया भाई? इस 400 पे ब्याज था। ये 20 कैसे आया? ऑलरेडी चल रहा था 1/20, और जो 1 बच गया वो क्या था? 20 पे ब्याज था, यही तो मतलब था इस बात का। तो अगर आपने ये 1 हटा दिया, बचा 60, तो ये 20 बच गया, तो हम कहेंगे कि 20 2 साल का अंतर है। आपको ये अच्छे से पता है कि जो 2 साल का अंतर होता है वो रेट का रेट परसेंट होता है, मैंने बताया था आर का आर परसेंट, तो 5 का 5% कितना होगा? 0.25। तो मैं ये कह पाऊंगा कि 0.25 20 है, पॉइंट निकालूंगा 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 25 की वैल्यू 2000 है, 100 की कितनी आ जाएगी? 8000, और 8000 ही प्रिंसिपल था। हो सकता है कि आपको भी ये बात समझ ना आई हो कि मैंने कैसे हटाया। मैं फिर से 7-8 एग्जाम्पल लेता हूं और हर सवाल में आप देखेंगे कि कैसे हम हटा पाएंगे। सिर्फ हटाना और कुछ नहीं करना, ठीक है, मौखिक आप सवाल कर पाएंगे। मिटा देते हैं इसको। इतने सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं इस कंसेप्ट पे, इतने सारे सवाल देखेंगे आप। ये सवाल आया हुआ 99 में, क्वेश्चन नंबर 2, इफ डिफरेंस ऑफ SI एंड CI फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% इज 31 फाइन प्रिंसिपल। ये कह रहा है कि भाई मूलधन ज्ञात करो, यदि SI और CI का 3 साल का अंतर 10% की रेट से 31 रुपये है, तो 31 लिखा हुआ है। मैंने भी कहा था कि आपको कुछ हटाना है, मैंने एक हटाया, आपको इस तरीके से हटाना है कि वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए, इसका तीसरा पार्ट कितना होगा? 10 रुपये।
आप मुझे बताओ 10% का 10% एक होता है, इसका मतलब मैंने सही हटाया है, तो ये 10 क्या आ गया, ये D2 आ गया, ये 2 साल का अंतर आ गया, 2 साल का अंतर क्या होता है, R का R परसेंट। तो कोई मुझे कब, जब हम प्रिंसिपल को क्या मानते थे, 100 मानते थे, तब R का R परसेंट होता था, मैंने लिखा है अभी। अब आप मुझे बताओ कि R 10% है तो 10 का 10% कितना होगा, 1, यानी कि 1 की वैल्यू 10 आ। आपको 100 की निकालनी है प्रिंसिपल से, तो 100 की क्या आ जाएगी, 1000, 2 2 0 चुपका दी, यही सवाल का उत्तर है। मैं और सवाल लिख रहा हूँ, सारे में वही सवाल लिखूंगा, आप कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब उठा लेना, तमाम किताबें, अगर एक भी ऐसा सवाल मिल जाए ना जो इस कंसेप्ट से ना हो तो मुझे बताना। अभी लास्ट में मैं ऐसा सवाल भी ले लूंगा, जब आप ये कंसेप्ट देखेंगे ना तो कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, कुछ टीचर ये वाला करवा के दिखवाना उनसे इस कंसेप्ट से, तो वो जो वाला है ना वो वाला भी मैं बताऊंगा, अभी वो लास्ट में बताऊंगा खुद बना के, जो तुम सोचोगे ना वो मैं खुद बना के बताऊंगा, अभी मैं वो सवाल ले रहा हूँ जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं पूरा सवाल नहीं लिखूंगा, हर बार बस करेक्शन करूंगा। जैसे SI और CI का 3 साल का अंतर 5% की रेट से, ये सवाल पेपर में आया हुआ, 15.25 है, तो प्रिंसिपल पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। अब 15.25 है, जब भी पॉइंट वाला हो तो यही समझ लेना कि भाई पॉइंट ही हमें हटाना है, मैंने 0.25 हटा दिया, कितना बच गया, 15 का मतलब 3 पार्ट करेंगे 5। अब आप मुझे बताओ कि 5 का 5% कितना होता है, 0.25 होता है, इसका मतलब कि जो मैंने हटाया वो सही हटाया है, तो ये 5 क्या आ गया, ये 2 साल का अंतर आ गया, 2 साल का अंतर क्या होता है, रेट का रेट परसेंट, 5 का 5% यानी 0.25। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, इसके बाद जब आपके पास 2 साल का अंतर आ जाता है तब आप ऐसा कर सकते हो कि जो मैंने फॉर्मूला बताया था D2 बराबर PR²/100 का² वो यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इतना समझ आना चाहिए कि अगर प्रिंसिपल 100 है तो 2 साल का अंतर R का R परसेंट होता है। 0.25 की वैल्यू कितनी है, 5 है, अगर हम पॉइंट हटा दें तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 25 की वैल्यू 500 है, 100 की कितनी होगी, 25 चौका 100 और 5 चौक 20, 2000 इस सवाल का उत्तर है। ये सवाल भी पेपर में आए हुए 2001 में, अब देख लेना सारे सवाल आपको बुक में मिल जाएंगे, आपने किए भी होंगे। अगर अब मैंने एक और सवाल ले लिया, सेम सवाल है, बस 36.60 दिया हुआ है अंतर, ठीक है, आप कैसे करेंगे, तो 36.60 अभी बात हुई थी कि भाई पॉइंट हटा के देख लो, मैंने पॉइंट हटा दिया, 3 पार्ट किए, कितना हो गया, 12 का 5% 0.60 होता है, इसका मतलब सही हटाया है, 12 क्या है, 2 साल का अंतर है D2। हमेशा जो सवाल है ना वो 5% 10% पे ही आया, आप ये भी चेक कर लेना, ठीक है। तो D2 है, D2 क्या होता है, भी रेट का रेट परसेंट यानी कि 0.25 की वैल्यू कितनी है, 12, पॉइंट अगर हटा दें तो ये 1200 हो जाएगा, 25 की वैल्यू 1200, 100 की कितनी होगी, 25 चौका 100, 12 चौक 4800, इस सवाल का उत्तर है। कोई ट्री या कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं कि मैं ट्री बनाऊंगा, ऐसा कोई सवाल है ही नहीं जो इस कंसेप्ट से नहीं हो सकता, ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, आप इसको सबको बताइए, बाकी जो टीचर और भी पढ़ा रहे हैं उल्टे सीधे कंसेप्ट से वो भी इसे सीखें और ऐसे पढ़ाएं, बच्चों को फायदा पहुंचेगा, ठीक है, हमें तो पहुंच ही रहा है, हम भी आपके बच्चे ही हैं, सब हमसे बड़े ही हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये मिटा देते हैं, इसके बाद एक और सवाल ले लेते हैं भाई, ये सवाल भी 5% पे आए हैं, इज 122 रुपये, आपने देखा भी होगा 122, फाइन प्रिंसिपल पूछ रहा है क्या होगा, तो अब आप बताओ 122 में क्या हटा दें भाई, देखते ही पता लग जाता है, पता एक फीलिंग आ जाती है, मैंने 2 हटा दिया भाई, क्योंकि 120 बनेगा 40 पार्ट हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ 40 का 5% कितना होता है, 2 होता है, इसका मतलब सही हटाया है, 40 क्या है, 2 साल का अंतर है, ये D2 भी लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखिए 2 साल के अंदर 5 का 5% यानी 0.25 की वैल्यू 40 है, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 25 की 4000 है, 100 की कितनी होगी, 25 चौका 100, 4 चौक 16000, इंग्लिश में बोल देता हूँ, 25 यूनिट इज इक्वल टू 4000, देन 100 यूनिट विल बी इक्वल टू 16000, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा सवाल भी आ जाता है जब आपको ये कह देगा कि SI और CI का अंतर फॉर, ये सवाल भी पेपर में आया हुआ, फॉर 1.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% इज 244, हाफ ईयरली कंपाउंड, हाफ ईयरली कंपाउंडेड, दिख रहा है हाफ ईयरली कंपाउंडेड, फाइन प्रिंसिपल। एक्चुअली हम लोग जब पढ़ाते हैं तो जोश में आ जाते हैं, हमें बताया जाता है कि यहां से इधर नहीं लिखना, लेकिन फिर भी वो निकल जाता है, ठीक है, कोई नहीं, ये पूछ रहा है अभी 1.5 साल। अब आप मुझे बताओ अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो आप भी जानते हो टाइम डबल, टाइम डबल का मतलब क्या होता है, रटनी नहीं है कोई बात, सुन लो पहले, टाइम डबल का मतलब ये होता है कि जब आप 6 महीने बाद ही ब्याज जोड़ रहे हो तो हमारे लिए तो 6 महीने ही 1 साल है,
अगर हम डेढ़ साल की बात करें तो डेढ़ साल में कितने 6 महीने होते हैं, 3, इसीलिए हम 3 साल कह देते हैं इसको। अब आपने ये पढ़ा होगा कि रेट आधी हो जाती है, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये कि अगर एक साल में 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज मिल रही है तो 6 महीने में कितनी मिलेगी? 5%, और अंतर हो गया 244। ये सवाल हो गया, ये भी 3 साल का सवाल हो गया। अब अगर मैं इसमें से 4 हटा दूं तो 240 रह गया, और उसका 1/3 पार्ट करता हूं तो ये 80 आ जाएगा। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि 80 का 5% 4 होता है, इसका मतलब जो हटाया मैंने वो सही हटाया है। 80 क्या है? 2 साल का अंतर है। 2 साल का अंतर क्या होता है? रेट का रेट परसेंट, 0.25 की वैल्यू ये है। 100 की कितनी होगी? 32,000। बात आई समझ? तो हम ऐसे सवालों को मौखिक कर सकते। अब मैं एक कंसेप्ट और बता रहा हूँ जिसमें कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे कि हम ऐसा डिफरेंस नहीं कर सकते, हमें कैसे पता चलेगा कैसे हटाएं। तो पहले तो मैं ये बता दूँ, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं कि कैसे पता चलेगा। पता तो तुम्हें ये भी नहीं था जब तुम पैदा हुए थे कि बड़े बाल वाले को मम्मी कहना है और छोटे बाल वाले को पापा कहना है। धीरे धीरे ही ये सब चीज़ें तुम सीखे बड़े होने के बाद कि इसको पानी कहते हैं जिसको तुम 3 साल से मम कहते हुए आ रहे थे। ये वक्त के साथ साथ पता चलता है, प्रैक्टिस के साथ साथ पता चलता है, ठीक है। पता बहुत कुछ नहीं होता, अब मैं वो सवाल लेता हूँ जैसे एक सवाल मैंने खुद बना दिया ताकि और लोग बनाएंगे, उससे अच्छा है आजकल मैं पहले ही जवाब दे देता हूँ कि भैया लो ये भी तुम्हारे लिए जवाब है, ठीक है। कुछ लोग ये कहेंगे मैंने ऐसा सवाल बना देंगे, जबकि अंतर बहुत कम होता है ऐसा ही सही, लेकिन लोग बनाएंगे बड़े बड़े अंतर लेके 750 अंतर है। तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, इफ द डिफरेंस ऑफ SI एंड CI एट 12.5% फॉर 3 years इज 750, फाइन प्रिंसिपल। इतनी सी बात, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया। अब 750 में हटाना थोड़ा मुश्किल काम है भाई, नहीं समझ में आ पाता बच्चे को कि यार कितना हटाएं कि वो 3 से डिवाइड होगा, अभी तो 2 हटा रहे थे 3 हटा रहे थे, जबकि इसमें 30 हटेगा तो कैसे पता लगे? बता देता हूँ यार, बहुत आसान सी बात है, तुम्हें भी पता है कि 2 साल का अंतर 1 था, फिर हम कह रहे थे कि 1 और आएगा 1 और आएगा, यही बात हो रही थी ना, फिर उस 1 का कितने परसेंट होगा ये आएगा भाई, जैसे 1/8, 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। तो मैंने क्या किया, मुझे मालूम था कि ये जो 750 ये क्या चीज़ है, पूरी की पूरी ये क्या चीज़ है, ये 1 है प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/8, यानी कि 3 प्लस 1/8। ये आप समझ पाए, मैं लिख देता हूँ अच्छे से भाई, पहले साल का अंतर 1, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, और ये फ्रैक्शन 1/8 है, यही तो होगा। तो 3 प्लस 1/8 यानी कि 25/8 की वैल्यू 750 है, तो 1 की कितनी होगी? 240। अब मैं समझ गया कि जो ये 1 था ये क्या था, ये 2 साल का डिफरेंस था। तो अगर आप कहीं ऐसा होगा कि आप नहीं हटा पाएंगे तब आप ये तरीका लगाएंगे, जैसे मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है 1/4, तो 3 प्लस 1/4 कर देंगे, क्योंकि जो बच जाता है हटाने के बाद जो बच जाता है वही तो 2 साल का अंतर, जो 3 होता है, 3 पार्ट होते हैं ना भाई, जिसमें 1 पार्ट को हम 2 साल का अंतर मान लेते हैं, तो ये 1 240 आ गया। ये क्या है 240? ये D2 है, ये 2 साल का अंतर है। आप देख लो 1/8 कितना होगा इसका, 30 हटाना था हमें, 30 हटा के बाद बन जाएगी 240 का 30, तो 24 या 72, 720 प्लस 30। बहुत सी लड़कियां ऐसी होंगी जिनको ये समझ नहीं आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उन्हें 30 से ऊपर गिनती नहीं आती। तो अभी आगे आने वाली एक वीडियो में मैंने प्लान किया है कि मैं 30 से ऊपर गिनती सिखाऊंगा उन महिलाओं के लिए जिनको 30 से ऊपर गिनती नहीं आती। उनको गिनती पूछो तो ऐसे कहते थे जैसे मोमोज, ठीक है, तो ये मैं उन्हें बताऊंगा कि गिनती क्या होती है, जबकि हम शायद मुझे लगता है पैदा भी नहीं हुए थे तब हमें गिनती आती थी। गिनती सबको आती है, हमें पता था यार अब कितने महीने हो गए, 5 महीने 6 महीने, अच्छा ठीक है 9 महीने बाद मुझे बाहर निकल जाना है, ये मुझे सब पता था, गिनती हमें उससे पहले आती है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, खैर छोड़ो कोई बात नहीं। अब ये 2 साल का अंतर मिल गया 240, तो अब 240 अगर हमें 2 साल का अंतर मिल गया तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 12.5% यानी रेट का रेट परसेंट 1/8 का 1/8 कितना होगा? 240। अब हमने प्रिंसिपल को 1 माना हुआ इसलिए बार बार 1/8 कर रहे हैं, 12.5 × 12.5 नहीं कर रहे, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15,360, यही प्रिंसिपल है। तो जब भी कभी ऐसा कोई अगर सवाल बनाता है, जब भी कोई ऐसा सवाल बना के आपसे पूछता है कि भाई 25% रेट है उसने अंतर बना दिया, तो आपको कुछ नहीं करना, 3 प्लस 1/4 को उसके बराबर रख देना है। क्यों रख देना है? क्योंकि 1 1 1 प्लस ये 1/8, 1 क्यों लिया? क्योंकि हमने खुद इसको फ्रैक्शन लिया है, हमने 100 पे नहीं लिया, ये 1 पे लिया, 100 पे तो 12.5 था,
तो एक पे कितना होगा, 1/8। बात समझ गए? तो ऐसे सवाल भी लोग आपसे पूछ सकते हैं। ऐसा ही सीआई के अंतर निकालने का ये सबसे ज़बरदस्त तरीका है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। मौखिक हम सवाल कर सकते हैं, आप मेरे पास लाइए कोई भी ऐसा सवाल आपके पास है, मैं उस सवाल को इसी तरीके से करूँगा, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है कि ये वीडियो हमने बहुत जल्दीबाजी में बनाई है, फिर भी जितना भी वक्त मेरे को मिल रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा कंटेंट जितना भी मैं दे सकता हूँ वो मैं दूँ। और ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज हमारी चल रही है, कोशिश करेंगे कि मैं लाइव आके और पढ़ाऊँ, ठीक है। बाकी खत्म करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एज सून एज, फिर एलजेब्रा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।